नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भोजपुरी रिमझी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव के बहुत ही अच्छे राइटर और उनके काफ़ी करीबी पवन पांडे का शादी समारोह समापन हो गया है और वो शादी के रिश्ते में बंध गए हैं। बात करें तो जिस तरीके से तिलक समारोह में भोजपुरी जगत के कई सारे बड़े दिग्गज अभिनेता अभिनेत्री पहुँचे थे, तो उनका तिलक जो है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हो गया था। बात करें पवन पांडे के तिलक में, जिस तरीके से भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव और निरहुआ के साथ आम्रपाली दुबे पहुंची थी, तो उनके तिलक का जो शोभा है उस पर चार चंद लग गया था। उसके बाद की अगर हम बात करें तो और भी कई सारे भोजपुरी के दिग्गज कलाकार उनके तिलक समारोह में शामिल हुए थे, चाहे वो समर सिंह हो या फिर और भी अन्य गायक हो जो उनके शादी समारोह में तिलक समारोह में जाकर उनके स्टेज का गरिमा को बढ़ा दिए। लेकिन उस दिन एक बात काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी और वो बात थी खेसारी लाल यादव को लेकर, क्योंकि फेसबुक के अपने ऑफिशियल आईडी पर वो आकर पवन पांडे को तिलक समारोह की ढेर सारी शुभकामनाएं दी और दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। लेकिन वो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे। कारण ये था कि वो लंदन में हैं और अपनी फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, जिसके चलते वो अपने नज़दीकी और अपने राइटर पवन पांडे के तिलक समारोह में नहीं पहुँचे थे और इसके लिए पवन पांडे से माफ़ी मांगते हुए उनको तिलक समारोह की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दिए थे। वही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से शादी समारोह में भोजपुरी के कई सारे और भी दिग्गज वहां पर पहुंचे और उनके शादी की गरिमा को भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया। बात करें तो राकेश मिश्रा, नीलकमल सिंह, अनारा गुप्ता और आम्रपाली दुबे तो तिलक समारोह में गई ही थी, इसके साथ साथ और भी कई सारे भोजपुरी के दिग्गज उभरते अभिनेता नेता और कई सारे सुपरस्टार उनकी शादी में पहुँचे थे। लेकिन इस सारे सुपरस्टार के बीच जिस तरीके से एक नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है और वो नाम रहता है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बारे में, और इनके शादी में निरहुआ से लेकर खेसारी लाल यादव से लेकर समर सिंह से लेकर रितेश पांडे से लेकर और भी कई सारे भोजपुरी के सारे दिग्गज कलाकार कहीं ना कहीं पवन पांडे को शुभकामनाएँ दिए। लेकिन पवन सिंह का जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं शादी के दौरान दूर रहा। आखिरकार ऐसा क्यों? लेकिन मैं खबरों के सूत्रों के अनुसार अगर बात करूं और पीआरओ से हमारी एक बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि पवन पांडे को जिस तरीके से भोजपुरी के कई सारे दिग्गज अभिनेता अभिनेत्री एक्टर सिंगर एक्ट्रेस जो है वो बधाई दी थी, तो पवन सिंह भी कहीं ना कहीं इंडिया से बाहर हैं और वो भी उनके तिलक या शादी समारोह में नहीं पहुँच सकते हैं और वो भी अपनी फिल्मों की शूटिंग लंदन में कर रहे हैं, तो वो अपने फ़ोन के माध्यम से यानी कि कॉल कर जो है पवन पांडे को बधाई दी है और उनको अगले दाम्पत्य जीवन की जो पवित्र रिश्ता बधा है उसको आगे बेहतरीन तरीके से बढ़े, इसके लिए पवन सिंह ने पवन पांडे को ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। न्यूज़ रूम से भोजपुरी रमझम की रिपोर्ट।